अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के प्रदेश नेतृत्व द्वारा संगठन को नए सिरे से खड़ा करने के उद्देश्य से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एसपी सिंह बुधवार को गोरखपुर पहुंचे और सिंचाई डाक बंगले में अनुसूचित मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक किया। इस दौरान एसपी सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने तथा नए पदाधिकारियों के चयन के संबंध में चर्चा की। उन्होंने कहा कि संगठन में वही लोग शामिल हों जो संगठन को मजबूती प्रदान कर सकें। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि 50 वर्ष से नीचे के लोग ही पदाधिकारी बनाए जाएं, उससे अधिक उम्र के लोगों को संगठन के मुख्य धारा में जोड़ा जाए। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एसपी सिंह ने कहा, मजबूत तीन लोग देना चाहे तो कौन होंगे? जिले की कमेटी के लिए, मेन कांग्रेस में जिले की कमेटी के लिए आप बात करना चाहेंगे? राम जैसी भी है। कौन? राम जैसी है। क्या नाम आपका? राम। राम ऑप्शन सर बहुत सारा नहीं, कोई भी रहे काम करने वाला होना चाहिए। पता चला कि दो टीम नहीं है और जिले का सेक्रेटरी बन जाए तो मतलब का नहीं है। और ऐसा चाहिए जिले की कमेटी के लिए वो वाइस प्रेसिडेंट बने या जनरल सेक्रेटरी बने वो प्रियंका जी देखेंगे। आदमी रहे काम करे, ये हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए गलत आदमी भेज दिया तो। क्या नाम? राम। ये कांग्रेस का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए बैठक है। अभी हम लोग, ये हमारे शेड्यूल कास्ट डिपार्टमेंट की बैठक है जिसमें हम लोगों को चिन्हित कर रहे हैं कि हमें किसको कहाँ रखना है और इलेक्शन के तुरंत बाद ही हम लोग इसको मजबूत कर रहे हैं अपने संगठन को, ताकि 2022 का इलेक्शन जीत कर हम यहाँ अपनी सरकार बनाएँ। जिला कमेटी भी कुछ संगठन होने वाला है? जी, जिला कमेटी भी होना है। उसी के सिलसिले में भी ये है क्योंकि उसमें भी शेड्यूल कास्टों का होना बहुत ज़रूरी है, तो हम उसमें भी चिन्हित कर रहे हैं कि कौन वहाँ अच्छी तरह काम कर सकते हैं, कौन वहाँ जाएं, कौन जिलाध्यक्ष बने, कौन शेड्यूल कास्ट जिलाध्यक्ष बने, ये सब हम लोग फॉर्मुलेट कर रहे हैं। और जिले की कमेटी में लोग जाएंगे, जिले को मजबूत करेंगे, रिप्रेजेंटेशन अच्छा होगा। उम्मीद कब तक कमेटी नहीं हो सकती? मैं समझता हूँ कि 2 महीने तो मान के चलिए, क्योंकि मेहनत का काम है। हर ज़िले में जाना, हर ज़िले के लोगों से मिलना, तैयार करना, और 1.5-2 महीना लग जाएगा मैं समझता हूँ।